आप लोग वैगन आर, ये देखो महिंद्रा बुलेरो, देखो भाई महिंद्रा बुलेरो बन चुकी है मॉडिफाइड टू, आप लोग भाई इसको मर्सिडीज बोलो या क्या बोलो भाई, मतलब मैंने ऐसी गाड़ी गुड़गांव में नहीं देखी और भाई मजा आ गया देख के सच्ची में। मतलब अपना कोई भाई ऐसी मॉडिफिकेशन भी कर सकता है, मतलब सच्ची में दिल खुश हो गया अगर मेरे से बन पाई तो। भाई इस भाई को एक बार बोलो ना भाई, बहुत बढ़िया मॉडिफिकेशन करी है यार भाई ने। मैं अंडा एक बार देखते हैं, बैठा है क्या लड़की? बैठी है पूरा, एक बार की बोल दूं उनको रोक के गाड़ी बहुत अच्छी, बट फिर लेडीज बैठी थी उनके साथ तो मेरे को अच्छा नहीं लगा थोड़ा कि उनको कैसे लगे कि भाई जानकारी कर रहे हैं। बट हाँ भाई ऐसी मॉडिफिकेशन यार मैंने बहुत कम देखी भैया, मतलब क्या जबरदस्त लग रही थी यार बुलेरो, और मतलब सही में बंदे की कदर है यार इस बंदे की, मतलब इतना जबरदस्त जो है भाई गाड़ी इसने मॉडिफाई करी है। अभी वो गाड़ी साइड से आएगी, मैं आपको उसकी साइड प्रोफाइल दिखाऊंगा और आप खुद कहोगे कि भैया गाड़ी ने गजब बना रखा है। एंड आ जाए एक बार, आ रही है सुवेज, एंड मेरे को सीधे जाना था तो मैं इतना नहीं ले पाया आसपास से, बट देन अभी आएगी एंड आई विल शो यू भैया कि गाड़ी नहीं भाई जबरदस्त, मतलब आतंक मचा दिया भाई उसने। अगर एक यूं लगा लो ना कि भाई हाँ कोई असली मॉडिफायर हो उसको पता हो तो भाई वो इस गाड़ी को बोलेगा कि भाई जबरदस्त काम कर रखा है। खैर एक बार देखते हैं भाई, यहाँ से देख सकते हो, अभी देखना भाई, देख रहे हो भाई क्या जबरदस्त लग रही है यार कसम से, मतलब सच्ची में दिल खुश हो गया यार देख के इस गाड़ी को मेरा भाई। क्या निकला हुआ हूँ मैं और मेरे को साहिबाबाद जाना है, रीचिंग टाइम कुछ ये दिखा रहा है एंड नोएडा के आसपास ही हूँ मैं, बगल में अक्षरधाम दिख रहा होगा आपको, इनकेस नहीं देखा तो आप लोग देख लो अक्षरधाम। एंड वाई आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ एक शूट के लिए, छोटा सा शूट है, छोटा सा नहीं बड़ा शूट है वैसे, तो शूट के लिए जा रहा हूँ एंड 14 मिनट में पहुँच जाऊँगा भैया। 1 घंटे 40 मिनट से गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, 1 hour 40 minutes, आप लोग सोच सकते हो कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है भाई, सुबह उठा था उसके बाद से थका हुआ भी पूरी तरीके से। तो लेट्स गो चलते हैं एंड उसके बाद देखेंगे भैया जो भी होता है। भाई सोचता है ना YouTube बहुत आसान है भाई, देख लो ये होता है 10 बजे से मैं लगो ड्राइव कर रहा हूँ और अभी टाइम हो रहा है अपना 1 बज गया है, तो 3 घंटे से लास्ट ड्राइव कर रहा हूँ, तो ऐसा होता है भाई कुछ इतना आसान नहीं है। बट हाँ फिर उसके पर्क्स भी हैं, हाईवे पे 100 ऐसे भागती है ना गाड़ी, मतलब एकदम प्यार से, और सारी गाड़ी है ना जहाँ पे 100, 120 चल रही है, और इन माशे को देखो मतलब 100 की स्पीड में भैया कोई टकरा जाए भिड़ जाए क्या हालत होगी इनकी। और इस हाईवे पे एक्सप्रेसवे पे सख्त है एकदम कि भाई टू व्हीलर और ऑटोज आ ही नहीं सकती, तो ठीक है भाई अपना इंडिया है चल रहा है ऐसी क्या कर सकते हैं। खैर गाइस ये वन ऑफ द रेयरेस्ट हाईवे है इंडिया के जो आपको 120 तक की स्पीड देता है कि आप 120 इस पे चला सकते हो, स्पीड लिमिट है 120 इस पे भी, तो 100 पे अपनी गाड़ी एकदम मस्त भाग रही है। और संडे को ना इस रोड पे आने का अलग ही मजा आता है, एकदम राइड वाइड सी होती है। आ गया हूँ भी लोकेशन पे, ये खड़ा मैं पीछे और शूट के लाया था, तो भैया पूछते कि आप कैमरा नहीं लाए, तो यार 1,70,000 खर्च करें इस फोन पर थोड़ा बुरा लगता है। बट देखो यार पर्सनली मेरे को कैमरे से शूट करने में मज़ा नहीं आता, फ़ोन से ही आता है, एयर ड्रॉप कर दो सीधे मैकबुक में अपनी और बढ़िया से जो फाइल चली जाती है और बढ़िया से एडिटिंग हो जाती है, और क्लियरिटी अगर आप लोगों को गंदी लगती हो तो आप लोग बताओ, बाकी मेरे से पूछा जाए तो क्लियरिटी मेरे हिसाब से तो काफ़ी सही है। यहाँ पे भाई अपनी रखड़ी है गाड़ी और मेरा, मैं ड्रोन दिखा दूँ आज, जो मेरे को ड्रोन रिपेयर पर देना है भाई। ड्रोन कहाँ गया, मैं कहाँ गया, ड्रोन नहीं है, नहीं है, व्हाट द फक ब्रो, ड्रोन का ड्रोन 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 ड्रोन। गाड़ी छोड़ दिया आपने अपने पीछे और अभी मैं निकल लिया हूँ भाई ये ड्रोन रिपेयर कराने, आप लोगों को पता होगा उस दिन पे मैंने दिखाया था कि ड्रोन जो है अभी तक रिपेयर नहीं हुआ, तो जा रहा हूँ, उनने कहा कि आ जाओ ड्रोन रिपेयर कर दूंगा आपका, तो अभी मैंने बुक करी है बाइक, और बाइक वाला सबसे बढ़िया है क्योंकि वहाँ पे जो है भाई स्विफ्ट खड़ी करने की जगह नहीं थी, ठीक है, और फिर ऐसे खड़ी भी नहीं कर सकते, तो गाड़ी मैंने यहाँ पे शूट वाली लोकेशन पे खड़ी कर दी एंड अभी जो है अभी ड्रोन लेके मैं निकल रहा हूँ, ठीक है। गाइस अभी जो है भाई मैं अपना ड्रोन छोड़ के आया हूँ पीछे वहाँ पे, और अगेन अभी वो थे नहीं दुकान पे, तो वो जो ड्रोन है मेरे को कल देंगे, अब मैंने वापस से करी है भाई यहाँ से देख सकते हो, और गोइंग बैक टू अपनी गाड़ी जो खड़ी थी वहाँ पे शूट लोकेशन पे, तो गाड़ी वहीं पे है एंड बाइक से इजी इतना हो जाता है, इसी वजह नहीं कि भाई वहाँ पे पार्किंग का भी एक टंटा हो गया था, पार्किंग वाली दिक्कत नहीं है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि मतलब ये ऐसे भीड़ भाड़ इलाके में नहीं, डायरेक्ट निकलूँगा मैं घर पर। चलो आगे अपना लोकेशन गिरी, फाइनली आ गया हूँ गाड़ी में, और मैं पोल्यूशन बताऊँ ना आपको, इतना ज्यादा पोल्यूशन है भाई, सांस लेने में ना दिक्कत होगी, वैसे ही मेरे को एलर्जी बहुत ज्यादा रहती है। और यहाँ पे मैंने देखा गाजियाबाद साइड भाई, मतलब सही में, और देखा भाई मैंने गाजियाबाद साइड में भाई सही में यार, मतलब ऐसे घुटन सी ऑरेंज सी नहीं, गाड़ी में बैठ के थोड़ा रिलीफ मिला है। अब निकलता हूँ गुड़गांव की तरफ, सच में गुड़गांव में बहुत कम पोल्यूशन है भाई, देखोगे अंदाजा पड़ रहा है आप लोगों को, ये वो नहीं है कोई कि आप लोगों को लग रहा हो कि धूल है मिट्टी है भाई, पोल्यूशन है सारा का सारा, ये देखो
समझ आ रहा है, धुंध वुंध कुछ भी नहीं है भाई। इतना बुरा हाल हो चुका है ना दिल्ली के आसपास के इलाकों का, इधर देखो भाई, मतलब सच्ची में